करीम, तमाम तारीफें रब और रब के महबूब इमाम अल-अंबिया खातिम नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सिर्फ मकसद एक है, अल्लाह की रज़ा। अल्लाह की रज़ा किस चीज़ में? अल्लाह के मखलूक के साथ, ना सिर्फ उनकी मुश्किलों में, उनकी आजमाइशों में उनका मदावा बनो, अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, अपने जहन से, अपने दिल से, अपने जान और माल से जो भी कर सकते हो कर लो जब तक जिंदा हो। और यही वो सोच है जो मदीना की रियासत का खासा है। और इसी सोच को 1450 साल बाद उम्मत मुस्लिमा में मर्द मुजाहिद इमरान खान साहब ने ये सोच पूरी कौम को दी। कोविड आया, हमें ये नहीं पता था कि नादार मिस्कीन, बेवाएं, यतीम, ज़रूरतमंद, जिनके घर में मजदूर हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जिनके पास दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, वो हमें पता नहीं था। कोई डेटा नहीं था कि हर सूबे में, हर ज़िले में, हर तहसील में, हर विलेज काउंसिल में कितने लोग हैं जो परेशानी और इम्तिहान में मुआशी तौर पर हैं। तो अब ये जो अली अमीन साहब का इनिशिएटिव है, सलाम पेश करता हूँ। और इसमें ये नहीं है कि ये JUI या PTI या PMLN, ये सब चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे किसी सोच के हों, सबको, उन लोगों को इस खुशी में और इस इम्तिहान के वक्त में याद किया जाए जो आजमाइश की घड़ियों में से गुजर रहे हैं। कोहाट में 1,80,000 के करीब ख़ानदान हैं, और जिनको एहसास प्रोग्राम, BISP, ज़कात और उशर, इसी तरह सोशल वेलफेयर, तमाम स्टेक होल्डर्स के थ्रू रीच आउट कर रही है। और हमारा मकसद ये है कि अल्लाह वो दिन लाए कि जब ज़कात लेने वाला कोई ना हो, और वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, खुदा के लिए ये वक्त है कि आप उनकी मदद के लिए आएँ। ये जिस तरह सेहत इंसाफ कार्ड है, इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह आने वाले दिनों में अवाम का पैसा अवाम पर लगेगा। एक दूसरी चीज़, हम अभी शफी जान साहब के हल्के में, डी साहब के ऑफिस में ये एक्टिविटी कर चुके हैं, अभी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मेयर साहब भी हैं और आफ्ताब आलम साहब मिनिस्टर ऑफ लॉ, उनकी कमिटमेंट है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं शफी साहब। इसके अलावा हमारा तीसरा है लाची, लाची में हमारे मेयर लाची और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ पर बाय इलेक्शन है, तो मैं किसी कैपेसिटी में, किसी ऑफिशियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो लोग ना शफी जान कर सकता है। तो हमारी, हमारे AC साहब, उनकी तहसील की पूरी टीम और हमारे जो की स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ का मेयर और हमारे जो रैप्स हैं, वो ये एक्टिविटी कर रहे हैं। सिर्फ आपको बताना ये है आखिर में कि वो लोग जो तस्वीरों की नमूद नुमाइश कर रहे हैं, वो लोग जो ज़ात की नुमाइश कर रहे हैं, याद रखें नुमाइश ज़ात की रोज़े महशर के दिन पकड़ है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की बुनियाद हैं, इनकी आजमाइशों में इनके साथ खड़े होना। और मैं एक दफ़ा फिर इस चीज़ पे जोर दूंगा कि हम कोशिश करें कि हम उन लोगों को याद करें जो आजमाइशों से गुजर रहे हैं। ये आखिरी दो दिन हैं रमज़ान के, आखिरी अशर है, अल्लाह तमाम उम्मत के लिए खैर का जरिया बनाए। और अल्लाह से दुआए कि गजा के मुसलमानों को, कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के, रंगवेनिया के, जहाँ जहाँ पे मुसलमान या इंसानियत आजमाइश में, अल्लाह उनको सुरखरू करे। और इसी तरह मेरे लीडर इमरान खान जो कैदोबंद की सौंपते, वो मर्द कलंदर डटा हुआ है, अल्लाह इंशाल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा और अपना हक हम उनके लिए लेके रहेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। और आखिर में ईद आने वाला है, इस ईद में सबको याद करें, सर उठा के जिए, खैरतमंद कौम है हम। अल्लाह के महबूब से किसी ने पूछा के इमाम अल-अंबिया खातिम नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? तो इमाम अल-अंबिया ने फरमाया कि मुझे उम्मत के गरीबों में ढूंढो। ये वो लोग हैं जो इनकी दुआएं अगर किसी ने ले ली तो अर्श मुअल्ला तक हॉटलाइन है डायरेक्ट। इनकी जिसने बदुआएं ली वो कभी भी जिंदगी में और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते। ये वो पाकिस्तान है, जब ये उठेगा तो तब कौम उठेगी। अल्लाह हमें खैर के लिए इस्तेमाल करे, इंसानियत, पाकिस्तान, इमरान खान, आप सब जिंदाबाद, पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच।